हिट एंड रन पर बने नए कानून को लेकर आज शिवपुरी शहर में ऑटो यूनियन ने नए कानून के विरोध को लेकर शहर में चलने वाले ऑटो के पहिए थम गए हैं। वहीं सूचना पाते ही यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव पहुंचे। उन्होंने ऑटो यूनियन को समझाइश भी दी। इसके बाद भी ऑटो यूनियन अपनी बात पर अड़े रहे। वहीं ऑटो यूनियन के अध्यक्ष बनवारी धाकरे ने बताया कि जल्द ही कानून में संशोधन होने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया? मेरा नाम बनवारी धाकरे है, मैं टैक्स यूनियन का अध्यक्ष हूँ और मध्य प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। पूरे क्या जाम लग रहा था? जाम नहीं लगा, जाम माम नहीं लग रहा था। कोई अपनी गाड़ी वालों को समझा रहे थे और साइड से लगा रहे थे। केवल क्या क्या मामला? कुछ मामला ये है, जो दिल्ली सरकार ने ऐसी धारा निकाली है जो सिर्फ गरीब आदमी के लिए है। गरीब आदमी के लिए, कार वाला तो 50 नहीं 10 लाख भर देगा, 20 लाख भर देगा, 50 लाख भर देगा, वो तो निकल जाएगा। गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? 10 साल की जेल भी काटेगा, 10 लाख जमा करेगा, कहाँ से करेगा? वो तो बाकी तो परिवार बर्बाद हो गया, बिल्कुल ही कोई मतलब ही नहीं है। गरीब आदमी जीते जी मार डाले। ड्राइवर एक गरीब है, कोई लखपति नहीं है जो ड्राइवरी कर रहा है। अगर वो बागा एक छोटे छोटे बच्चे हैं और वो जेल चला गया बागा, तो परिवार बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो मिलना चाहिए। अरे इन लोगों को सोचना चाहिए, पढ़े लिखे लेके इंसान हैं, बड़े बड़े नेता हैं, इनको मंथन करना चाहिए कि गरीब आदमियों पर ऐसा जुल्म करना चाहिए कि नहीं। और गरीब ही वोट डालता है, बड़े आदमी घर से नहीं निकलते, वोट डालने गरीब ही जाता है। और गरीबों के सिंह ऐसी जाती की है जो वो कहीं के नहीं छोड़े। प्रशासन क्या आश्वासन दे रहा है? प्रशासन ये आसपास दे रहा हो कि जाम वाम मत लगाओ। हम जाम नहीं लगा रहे, हम तो अपनी साइड में अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। सभी लोग जो ड्राइवर हैं जितने भी, और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। कब दोगे? अभी शाम तक देंगे, 4-5 बजे तक। और सभी सभी भाइयों की उसके लिए बलवंत साहब के लिए जो कर रहे हैं कि सभी मर जाएंगे ये लोग। एक्सीडेंट कोई जानबूझ के नहीं होता है। और अगर आपको ये कानून लागू करना है ना, तो दारू वाले में करो। जो दारू पी के वाहन चला रहा है उसके लिए फांसी की सजा करवा दो आप। तो सही बात है, फांसी की सजा बोल दो। सब हम साथ देंगे, सरकार का साथ देंगे। जो दारू पी के गाड़ी चलाता है उसके लिए बिल्कुल फांसी की सजा हो वाला। कोई सा भी केस लगे, 20 साल जाए 10 साल जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो दारू पी के वाहन चलाता है उसके लिए सजा कानून बनना चाहिए। वो बगैर लाइसेंस का हो कोई वैसा। हाँ आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।